Hi everyone, assalamu alaikum. आज जो गाड़ी हम आपके पास लेकर आई है Lexus GS 430 और मेरे मुताबिक ये गाड़ी 30 लाख की प्राइस रेंज में इट्स अ मच बेटर देन CIVIC और ऑडी A3. अगर आप गाड़ी 30 लाख में बाय करना जा रहे हैं सो प्लीज़ इस जो आज का कॉन्टेंट को लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा आप 30 लाख की रेंज में और क्या क्या ऑप्शन को बाई कर सकते हैं. सो कम एंड लेट्स वॉच दिस वीडियो ऑफ अ Lexus GS 430 कार रिव्यू. तो गाइस जो गाड़ी आज हमारे पास मौजूद थी ये थी 2006 मॉडल Lexus GS 430. अगर आप इस गाड़ी को बाय करना चाहते हैं आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. सो जो मेन चीज़ थी इस गाड़ी ने जिसमें जो फोर्स किया वो थी इसकी ऑप्शंस के हम 30 लाख के ब्रैकेट रेंज में किस किस ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं. गाड़ी नहायत ही खूबसूरत लुक में थी पुराने मॉडल के साथ साथ गाड़ी आज भी बहुत ज़्यादा दिलकश अदाओं के साथ अपने कस्टमर के साथ माइल कर सकती है. इंजन गाड़ी का 4.3 पेट्रोल था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जॉइंट मशीन है. इंटीरियर में और गाड़ी के स्पेक्स में वो स्पेक्स इसमें इंस्टॉल थी जो कि आपको एक 50 से 60 लाख वाली गाड़ी में मिलती हैं. सो मेरे ख्याल से अगर आप कोई 25 से 30 लाख की रेंज में गाड़ी बाय करना चाह रहे हैं तो काइंडली आज की जो हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आप इस 25 से 30 लाख की रेंज में और कौन कौन सी ऑप्शन दे सकते हैं जो कि होंडा CIVIC से ऑडी से अल्टिस से काफ़ी ज़्यादा मच बेटर है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे. जी गाइस मैं गेस्टम गाड़ी के मौजूद है इंटीरियर के अंदर और इंटीरियर में अगर मैं बात करता जाऊँ तो यकीन मानने गाड़ी में वो ऑप्शन हैं जो कि शायद मैं भी नहीं जानता था कि इस गाड़ी में इतनी ज़्यादा ऑप्शन होंगी. और मैं सिर्फ इसलिए इसके अंदर इतना ज़्यादा हुआ इसमें मुझे शौक आया है गाड़ी का रिव्यू करने का ताकि जब हम इस प्राइस टैग में जाते हैं 28, 28.5 या 30 लाख में प्राइस टैग में सिर्फ हमें एक ही गाड़ी नजर आती है होंडा CIVIC एक्स. सो अगर मैं इस गाड़ी को एक्स के साथ कंपेयर करूं तो मेरा ख्याल है कि वो लोग जिनको फ्यूल एवरेज की टेंशन ना हो या वो फ्यूल एवरेज को ज़्यादा कंपेयर ना करते हो एज़ कम्पेयर टू कम्फर्टेबिलिटी और क्लास तो Lexus इज मच बेटर देन गाइस. क्योंकि अब मैं आपको स्पेक्स के बारे में बात करूँ. अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ. सो जैसा कि गाड़ी इस रिमोट सो गाड़ी को मैं पुश स्टार्ट करता हूँ. सब फर्स्ट ऑफ ऑल सो आपका जो स्टेयरिंग है वो आपको एक अच्छी लुक देता है आपको आगे एक अच्छा वो देता है आपको स्टाइल देता है कि स्टेयरिंग आपका एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली. अगर मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर शो करवाता जाऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर आ जाता है डिस्प्ले जिसमें वो आपको शो करता है फ्यूल एवरेज गाड़ी के आपको यहाँ पर वो हर चीज़ों को शो करता जाता है. आप यहाँ से गाड़ी के AC को कंट्रोल कर सकते हैं हर चीज़ों को आप यहाँ पर गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नेविगेशन मिल जाता है. ठीक है ये जापानी संबल है ये आपको लोकल किसी गाड़ी में इंस्टॉल नहीं मिलेगा जो आप सारे फंक्शंस पे कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो आपको यहाँ पे AC के कंट्रोल मिलते हैं रियर AC मिलते हैं गाड़ी में ड्यूल AC है और CD चेंजर मिलता है जो Lexus का ओरिजिनल CD चेंजर है और गाड़ी का गियर ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन है और साथ इसमें मैनुअल शिफ्ट के साथ है जो कि आपको प्लस एंड यू कैन शिफ्ट टू गियर फ्रॉम मैनुअल. तो सीटें गाड़ी की आपके चेक कर सकते हैं ये इलेक्ट्रिक और हीटेड सीटें टेम्परेचर हैं. आप इसको स्पोर्ट्स के अंदर भी लेके जा सकते हैं गाड़ी को ड्राइव करने में और इसको नॉर्मल मोड में भी रख सकते हैं आप पावर मोड में चला सकते हैं और स्नो मोड में और ट्रैक्शन को आप गाड़ी के कंट्रोल कर सकते हैं. अब मैं गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ आता हूं तो स्टीयरिंग गाड़ी के आपके पास सारे कंट्रोल आपको मिल जाते हैं जैसा कि आपको स्टीयरिंग पर सबसे पहले मिल जाते हैं मल्टीमीडिया आपको स्टीयरिंग के मिल जाते हैं मूड और मूड आपके वहाँ पर आ जाएंगे जैसे अब मैं शो करता हूँ मैं बटन दबाता जा रहा हूँ तो वो मूड चेंज करी जा रहा है FM AM पे. उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मोबाइल अटैच करके मैं कॉल अटेंड कर सकता हूँ कॉल कर सकता हूँ और डिस्प्ले पे जाके मैं अपने मीटर्स की सेटिंग को चेंज कर सकूँ जैसे कि मैं आपको यहाँ पे भी शो करवाता जा रहा हूँ. गाड़ी के अंदर क्रूज़ ऑलरेडी बिल्ट इन इंस्टॉल्ड है और गाड़ी में जो सबसे अच्छी चीज़ें कुछ ये हैं कि गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं विद मेमोरेबल्स ऑप्शन गाड़ी के चारों शीशे ऑल ऑटो हैं और एक जो सबसे खूबसूरत ऑप्शन एक मुझे जो नज़र आई वो आपको मैं शो करता जाता हूँ. आप यहाँ से गाड़ी के फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हैं गाड़ी के जो गाड़ी का इसका डिक्की इसको खोल सकते हैं और आप इस बटन को पुश करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी ऑप्शन मिल जाएंगी जो कि आपको लाइट कंट्रोल करती हैं आपकी डिक्की को आपका जो है उसको ओपन करती हैं ट्रंक को और आपके जो शीशे उसके रिट्रैक्टेबल हैं आप उनको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. सेफ्टी की बात करता हूँ गाड़ी में SRS एयरबैग्स मौजूद हैं और इस गाड़ी में अप्रॉक्सीमेटली 8 एयरबैग्स हैं जैसा कि एक मेरे पास यहाँ पर स्टेयरिंग में मौजूद है एक डैशबोर्ड में और दो मेरे पास मौजूद हैं साइड्स के पिलर्स के अंदर और क्या मेरे पास दो मौजूद हैं इन पिलर्स में और उन रियर्स पिलर्स के अंदर. गाड़ी के अंदर ड्यूल AC मौजूद है जो कि गाड़ी को कंफर्टेबिलिटी के अंदर क्लास चेंज कर देता है और आप इसकी बैक सीट्स के देख सकते हैं बैक सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और लेदर के साथ फिनिश्ड है और गाड़ी के अंदर सिटिंग कैपेसिटी 5 पर्सन की है जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजिली सिटिंग कैपेसिटी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं. तो गाइस गाड़ी का आपको मैंने इसका दे चुका हूँ पूरी आउटलुक दे चुका हूँ इंटीरियर एक्सटीरियर और गाड़ी के जो सस्पेंशन के बारे में बात कर सकते हैं एंड इवन वी ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट इंजन.
गाड़ी के अंदर जिस टाइम इंजन बिल्ट इन आता है कंपनी से वो आता है 4.3 ऑल लीटर पेट्रोल इंजन आता है जो कि आपको बन जाता है 4300 पेट्रोल। फ्यूल एवरेज की बात करें तो डेफिनेटली गाड़ी आपको लोकल एवरेज देगी 5 to 6 किलोमीटर और लॉन्ग पे आपको ये देगी अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 किलोमीटर। लेकिन एज आई लाइक कि अगर आप कंफर्टेबिलिटी में जाना चाहते हैं या आप अपने अपनी जो कि आपकी राइड है आप उसको चाहते हैं कि वो स्मूथ हो और चीज़ आपको ईजी लगे तो मेरे ख्याल से फ्यूल एवरेज उस चीज़ के अंदर कंपेटेबल नहीं बनती। सो एज आई मैं जैसा कि मैं जानता हूँ और जैसा कि मैं गाड़ी को काम करता हूँ या जो हल्की फुल्की नॉलेज है तो प्रेफरेबली अगर मैं किसी को रिकमेंड करना चाहूँ तो डेफिनेटली आई रिकमेंड दिस कार ओवर स्पीक ऑफ 16 and 17 मॉडल। अगर आप 16-17 मॉडल की स्पीक लेना चाह रहे हैं तो 30 लाख की प्राइस टैक्स के अंदर आपको अगर लैक्सिस GX मिलती है तो इट्स अ बट काफ़ी ये आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ज़्यादा ऑप्शन है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैं भी चाहता हूँ कि वो आपके मैं शेयर करूँ, जैसा कि लेक ऑफ स्पेयर पार्ट, इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट काम है जो आपको ईजिली मार्केट से नहीं मिल पाएंगे और गाड़ी का ख्याल रखना थोड़ा गाड़ी का ज़रा कॉस्टली है कि जैसा कि इसका अगर गाड़ी का आपको काम निकलता तो डेफिनेटली वो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे लगवा देगा। लेकिन आप गाड़ी को अगर मज़े लेने जाते हैं तो इससे अच्छी ऑप्शन कोई भी नहीं है। और अगर आपको आज वाला कॉन्टेंट हमारा अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको जो हमारी आज का कॉन्टेंट इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।